हेलो दोस्तों, आप है गुड लिविंग चैनल पे और आपके सामने सुंदर सुंदर पौधे जिनमें मैं आज एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ। इनमें मैं मेरे पास एक DAP नाम का फर्टिलाइज़र रखा है, मैं पहली बार उसको यूज़ करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। DAP होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि बताते हैं कि प्लांट्स के रूट सिस्टम को बहुत अच्छा करेगा और इनके प्लांट्स के कलर को, इनमें जो बड्स बनती हैं फ्लावर की, वो और अच्छे से आएंगी और इनका रूटिंग सिस्टम बहुत अच्छा होगा। तो ये दोस्तों आपके सामने DAP फर्टिलाइज़र, ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र है। अब तक मैं केवल अपने प्लांट्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती आ रही हूँ, अपने किचन का वेस्ट वगैरह या गोबर की खाद वगैरह। लेकिन आज चलो इसको भी यूज़ करके देखते हैं, लेकिन मैं खाने वाली सब्जियों में इनमें यूज़ नहीं करूँगी, इनको अपने फूलों वाले प्लांट में डाल के ही पहले देखूँगी इसका क्या रिजल्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं कैसे इसको डालना है। ये आपके सामने रखा है एक सदाबहार का पौधा, इसमें मैं डाल के देखूँगी, अपने फूलों वाले पौधों में डालूँगी या उन पौधों में जिनकी बड्स नहीं बनी है अभी, खाली प्लांट है वो, जैसे मिर्च वगैरह के हैं अभी उनमें फूल नहीं आया है, या जिनके फूल झड़ रहे हैं उनके लिए कहते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है। चलो देखते हैं, सब कुछ आपके सामने ही है। ये फर्टिलाइज़र मैंने ले लिया है, जो भी रिजल्ट रहेगा 4-5 दिन में पता लग जाएगा कैसा क्या होगा। एकदम से तो कोई दवाई भी नहीं काम करती, तो ये भी एक फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे मिट्टी में मिलेगा और देखते हैं कैसी रंगत होती है हमारे पौधों की। तो इस तरह से आपने भी मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है, इसको ज़्यादा नहीं डालना है, आप इसके थोड़े से दाने अपने प्लांट से दूर बिखेरने हैं, आपने जो आपका मेन प्लांट है ना, जैसे मैं डाल रही हूँ, अपने प्लांट से दूर डालने हैं। प्लांट के एकदम आपने जो स्टेम है, जो मेन स्टेम है, उसके साथ नहीं डालने हैं। ऐसे आपने थोड़ी थोड़ी मिट्टी की गुड़ाई करके ये दो दो चार चार दाने ऐसे डाल देने। ये मेरे भिंडी के पौधे हैं, इनमें मैं नहीं डालूंगी। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि मैं इनमें इनऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मेरे अपना घर का ही वेस्ट ठीक है, मेरे पास इतना सामान इकट्ठा हो जाता है ऑर्गेनिकली कि वो मेरे फलों और फूलों के पौधों के लिए अच्छा रहता है। मैं इन फूलों वालों में ही डालूंगी, सब में जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं मेरे, इन सब में मैं थोड़ा थोड़ा इसको यूज़ कर दूंगी और देखूंगी क्या होगा फिर। वैसे तो मेरे अच्छे ही चल रहे हैं, लेकिन ये मेरे पास रखा हुआ था, मुझे लगा कहीं इसमें मॉइस्चर आके ख़राब ना हो जाए, तो एक बार देखते हैं इसको भी। देखें फूलों का तो इतना डेली खिलने का ही काम है और खाने में भी यूज़ नहीं होते ये, तो इनमें मैं यूज़ करके देख लेती हूँ थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर करके प्लांट्स में, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे सारे फूलों वाले प्लांट हैं, और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट रहता है आपके सामने। ये अब सब कुछ ऐसे कर करके, तुलसा है ये मेरी, तुलसा में भी थोड़ा सा डाल के देखती हूँ कैसा कलर होगा इसका, है ना, इसका भी रूट सिस्टम। ये नई नई लगी हुई है, अब बरसात में ना जहाँ जहाँ बीज गिरा ये नई नई उगाई हैं, अच्छा है। उल्टा तुलसा जी तो वैसे भी घर के लिए अच्छी होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी आती है इससे। तो मैं ऐसे अपने ये जो फूलों वाले प्लांट है ना, इनमें अपने थोड़े थोड़े से दाने जड़ों से दूर साइड से खुदाई करके थोड़े थोड़े से बिखेर दूंगी। तो आप भी ऐसे अभी तो ना करें, पहले मेरे को एक बार रिजल्ट देख लेने दें, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका क्या रिजल्ट रहा है। कभी हम सारे अपने पौधों को खराब करके बैठ जाएं, क्योंकि मैंने ये इनऑर्गेनिक चीज़ें आज तक यूज़ नहीं की हैं, केमिकल चीज़ें घर से ही जो मेरा निकलता रहता है उनसे। ये देखो मेरे प्लांट कितने सुंदर सुंदर हैं, अभी 5-7 दिन में मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी, अच्छा रहा तो फिर हम सारे शेयर करेंगे इसको, और नहीं रहेगा तो फिर आप रुक जाना, है ना, अपना घर से ही हम अपना काम चला लेंगे जो हमारे किचन से निकलता है। तो ये देखिए अब सारे फूलों वाले प्लांट है, मैं इनमें जरा डाल डाल के देखती हूँ, दो दो चार चार दाने इसके, और फिर देखेंगे जैसे जो रहेगा। ये रखा हुआ था मेरे पास, एक्चुअली मैं लेके नहीं आई थी, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड है, उन्होंने दिया था मुझे ये कि आप अपने प्लांट्स में डालो, आपके प्लांट्सों की हेल्थ और अच्छी होगी। वैसे DAP का जो यूज है वो जो रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं हमारे, गाजर, मूली, आलू, शकरकंदी, जिनकी जड़ें डेवलप करने की जरूरत होती है ना, उनमें यूज होता है। तो कह रहे थे कि आप अपने फूलों में फलों में डालोगे तो उससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, आप थोड़े थोड़े दाने ना अपने प्लांट्स में डाल के देखना। मैंने कहा चलो आज, तब तो काफ़ी गर्मी थी, अब मैं सफाई कर रही थी, मुझे मिल गया इसकी पोलोथीन,
मैंने कहा चलो देखती हूँ, बता रहे थे वो, देखते हैं मौसम भी कुछ ठीक है, थोड़ा ठंडा है पहले से, इतनी मतलब लू वाला मौसम नहीं है जैसे गर्मियों में था, हल्की हल्की बारिशें भी हो रही हैं, तो अभी तो हमारे यहाँ इतनी नहीं हो रही खैर, लेकिन बादल तो आते ही रहते हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं वो। तो इस तरह से मैंने फूलों वाले प्लांट्स में पहले डाल के देखा है, देखेंगे फिर क्या होगा इसका। वैसे खाने की सब्जियों जो मैं उगाती हूँ या मेरे फ्रूट्स वाले प्लांट्स हैं उनमें तो खैर मैं डालूंगी नहीं, उनमें तो मैं ऑर्गेनिकली ही उनको ग्रो करना ज़्यादा अच्छा समझूंगी। ये रेन लिली देखोगी, ये ना अच्छे लगते हैं ना सुबह सुबह प्लांट, कितने सुंदर सुंदर हैं ये, मुझे तो खैर फूलों से बहुत प्यार है। सुबह सुबह उठते हैं है ना, ये कितने खिले हुए होते हैं, कैसा ही मौसम हो बेचारे, गर्मी हो सर्दी हो है ना, इन्होंने खिलना ही खिलना है, कितने सुंदर लगते हैं। ये देखो जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ना, ये मैंने काट काट के उनको कलर कर करके वही कलर जो मैंने आपको बताए थे फेविक्रिल वाले सनफ्लावर किट के। और ये मेरी एक टूट गई होगी, ये ऐसे आप लगाते तभी उग जाती है, तो आप भी ऐसे, जैसे ये मेरा ये क्रैक हो गया था ब्रश रखने का, इसमें मैंने प्लांट लगा के, और ये देखो कैसे बढ़िया से चल रहे हैं सारे, है ना, कोई भी चीज फेंकने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पाम का है, और ये मेरा मैक्सिकन पेटूनिया, ये मेरे कोचिया के, ये मिर्चों के, ये मेरा अरबी का प्लांट है, ये मेरे भिंडी के, सारे सरप्राइज लिली, ये भी सरप्राइज लिली, ये अनार का है, इसमें भी दो चार दाने डाल के देखूंगी क्योंकि अभी इसमें कोई फूल भी नहीं लगा है ना कोई फल लगा है, देखूं क्या फर्क पड़ता है, लगते हैं नहीं है ना। ये छोटी चांदनी है, ये करेले की बेल है, इनमें तो खैर मैं डालूंगी नहीं, खाने वाली में नहीं। ये मेरा वही हिबिस्किस का जो मैंने बताया था ना आपको कटिंग से, देखो कितनी सारी बर्ड्स आई हुई है इसमें, मैंने खुद कटिंग से ग्रो किया था, और देखो जब आपके सामने रिजल्ट आता है इतना सुंदर सुंदर, कितना अच्छा लगता है उसको देख के, है ना, कि आपने खुद ग्रो किया। और ऐसे आप भी जो पीले पत्ते हों आपके गार्डन के उन्हें आप हटा दें। और ये मेरा साथ में अपराजिता का है, ये मैंने छुपा रखा है, ये नाजुक सा प्लांट है, बहुत सुंदर फूल आते हैं इसके, और कहते हैं इसको लगाना बहुत शुभ होता है घर में, आप सब भी इसको लगाएं और ये सूखे फूल हटा दें, इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है घर में। ये मेरा शमी का प्लांट है, छोटा सा है भी नन्ना सा, तो आप भी ऐसे ऐसे अच्छे प्लांट भी लगाएं जिनसे कि आपको लगे कि आपके घर के लिए शुभ है। तो मैंने शमी का लगा रखा है, ये वही बेगोनिया मैंने लगा के दिखाया था, यहाँ ज्यादा धूप नहीं आती इसलिए मैंने इसको यहाँ बचा के रखा हुआ है। ये मेरी मधुमालती की बेल है, और ये स्टिक जो मैंने बनाई है इसकी, अपने कूलर के जो पैड्स होते हैं ना उनको एक स्टिक पे लपेट के बनाया। ये मेरा दरवाजा खुलने वाला है इधर से, इधर मैंने शुभ शुभ प्लांट लगा रखे हैं, तुलसी का हो गया, अपराजिता का हो गया है ना, और ये शमी का पौधा हो गया, ये मैंने सारे अपने दरवाजे के पास लगा रखे हैं। तो आप भी, पौधे तो वैसे सारे अच्छे होते हैं लेकिन हाँ चलो कुछ लोग इनको मानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आती है तो वो भी लगा के देख लेते हैं, है ना। ये देखो मैंने बेल लगाई थी, इस पे छोटे छोटे फल लगने शुरू हो गए हैं, देखो पता नहीं ये खीरा है या क्या है। तो थैंक यू वेरी मच, इसी उम्मीद के साथ।